जो है वो ये स्टार्ट कर रही है दैट दिस स्टोरी इज पब्लिश्ड बाय द नेम ऑफ लॉरा, उसने उसका नाम लिया, बट दिस इज नॉट सो, इट इज रिटन बाय एलिस, इट इज द जेलस सिस्टर ऑफ लॉरा, बिकॉज़ लॉरा इज इन लव विद एलिस, क्लियर, एंड शी इज आल्सो इन लव विद एलिस, एंड रिचर्ड इज द हस्बैंड ऑफ एलिस, बीइंग दिस क्रीमी कल्प्रिट दैट आई एम इन लव आफ्टर मैरिज, तो ये अपना नाम की स्टोरी पब्लिश करवाती है किसके नाम से, बोलती है लॉरा के नाम से, बट लेटर ऑन इन द ऑटोबायोग्राफी बिफोर द कमेंटिंग सोसाइटी अपने आप को एडमिट करती है दैट आई एम द पर्सन हु रोट दिस स्टोरी, लास्ट मीटिंग को जाता है, और आयरिस अब लॉरा और एलिस ये दोनों दी पीपल आर इन लव विद ईच अदर, बट आयरिस इससे लव करती है जब एलिस की वॉर के अंदर डेथ होती है, तो ये सोसाइटी को मिट कर देती है, इस सोसाइटी को मिट करती है तो आयरिस इज ओनली लेफ्ट, तो हाउ शी कैन पब्लिश द बुक, नहीं करवा सकती, दैट इज वाई इसको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ती है, एंड रिचर्ड के साथ में क्या था, रिचर्ड इज इन लव विद लॉरा, ठीक है, क्लियर, रिचर्ड का लव किसके साथ था, लॉरा के साथ, एंड जब ये सोसाइटी करती है इसको देख के, तो ये सोसाइटी इसके लिए, ठीक है, एंड लास्ट में क्वेश्चन अपने आ गए, सो लास्ट में वो भी बिफोर कंप्लीटिंग वो भी सोसाइटी, दिस इज द, तो एक या दो लाइन्स के अंदर खत्म की जाए स्टोरी, इसके अंदर बेसिकली थीम वॉर की, हिस्टोरिकल फिक्शन बोला जाए क्या है इसको, रोमन एक्लेव, रोमन एक्लेव का सब मीनिंग जैसे की हीरो की फ्रेंच मुलर जाता है नॉवल की तक, बट अगर आप इसको देखते हो तो की का मीनिंग क्या आएगा, मतलब आंसर की को देखिए, नहीं, द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन दैट दैट इज गिवन आफ्टर द नॉवल कंप्लीशन, ठीक है, सेकंड नंबर इसको क्या बोला जाता है रोमन एक्लेव को, कि कैरेक्टर्स जो इसके अंदर होते हैं वो रियल लाइफ से असिमिलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सिल्विया क्लार्क पढ़ी होगी, बेल्जा पढ़ा है, उसकी उसको भी क्या बोला जाता है रोमन एंड क्लार्क, ठीक है, एंड इट इज नॉवल विद इन अ नॉवल, और इसी के लिए इसको बुकर प्राइज मिला, फाइव टाइम्स नॉमिनेट हुई है लेकिन फाइनली मिलता इसे सर्विसिंग सर्विसिंग ओनली सर्फेसिंग का सर्च करना, सर्फेसिंग एक नॉर्मल एक प्ले भी है माइंड, ठीक है, सो पहली बार क्या किसका पढ़ा आप लोगों ने, नहीं, ओडिसी से लिया गया है, ओडिसी की स्टोरी जो पढ़ी आपने द रिलेशनशिप बिटवीन दैट किंग एंड द क्वीन डैनियल एंड आफ्टर दैट टेलीकास्ट, लेकिन यहाँ पे चेंज है, ये फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती है इसलिए स्टोरी को चेंज कर देती है, अनदर वन इज द स्टोरी द सेम, इसने गर्ट्रूड के ऊपर लिखा था, ठीक है, जिसका क्वेश्चन पेपर कब आया था 2015, ठीक है, जून पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें हैमलेट किसके साथ बात कर रहा था, दैट इज द गर्ट्रूड के साथ, लेकिन वो पोएट्री फॉर्म था, रिमेंबर इसके अंदर थर्ड पर्सन नरेशन, और उसने एक ही चीज बोली इसके अंदर दैट आई एडमिट दैट आई एम अ गर्ट्रूड,